डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों किवें हो सारे? होपफुली तुसी इंजॉय करते होंगे लैक्चरस नूं। तो बेटा असी दो लैक्चर पहला डिलीवर कर चुके हैं ऑनलाइन। करोना वायरस के चलते हुए साडा नुकसान ना हो इसलिए असी ई ट्यूटोरियल शुरू किया है। तो बच्चों दो लैक्चर असी पहले यूनिट इलैक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम लॉ चैप्टर के असी किए हैं। तो अज असी थर्ड लैक्चर शुरू करांगे। इस लैक्चर दे विच असी बेटे डिस्कस करांगे अज फस्ट ऑफ ऑल कंजरवेशन ऑफ चार्ज की हुंदा है, उस दी एग्जाम्पल्स। दैन वी हैव क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कल असी डिस्कस किया, अज न्यूमेरिकल्स करांगे। अज दा मेन पोर्शन साढ़े कोल दो ही टॉपिक्स होणगे, कंजरवेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सारे बेटे जी बिल्कुल ध्यान देना इस लैक्चर नूं, बहुत इंपॉर्टेंट लैक्चर है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट लैक्चर। तो असी डिस्कस करते हैं बेटे जी। सब तो पहला फस्ट टॉपिक इज कंजरवेशन ऑफ चार्ज। तो कंजरवेशन ऑफ चार्ज का मतलब की है बेटे जी? असी कल पढ़ रहे सी कि अकॉर्डिंग टू कंजरवेशन ऑफ चार्ज द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्सटेंट। तो बेटे जी आप पढ़ते हैं कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। कंजरवेशन ऑफ एनर्जी के आप कहने एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इन टू वन फॉर्म टू अनदर। तो बच्चा गलती करके कई बार अपने वर्ड के इस तरह लिख जाता है, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो बेटे जी यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो हमारे पास आएगा बेटे जी चार्ज। तो ये गलती नहीं करनी है, इस गलती के कारण आपका मार्क्स जो है वो कट जाएगा। तो इन अदर वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो कल एग्जाम्पल दे रहे थे बेटे आप ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ दी, आज कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं बेटे जी। रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम, आपको पता है यूरेनियम कौन है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। उसका डिके कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिकेज होते हैं उसके, और एक डिके हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज यूरेनियम 92-238। ये क्या होता बेटे, क्या होता बच्चे, ये होता है उसका एटॉमिक नंबर और ये होता है उसका मास नंबर। तो ये 92 प्रोटॉन्स और 238 उसका मास नंबर है। जब ये टी एच क्या होता है, थाली है नहीं बेटा, ये है थोरियम, ये थोरियम है 92-34 और ये है Hg24। कल बताया था मैंने इसके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो जब यूरेनियम 92-238 का डिके होता है तो वो थोरियम और हीलियम दैट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम दैट इज अल्फा पार्टिकल में निकल, अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। तो बच्चों अब टोटल चार्ज अगर बिफोर डिके देखें तो कितना है, 92e, क्योंकि 92 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस ई, 92 पे कितना होगा, प्लस 92e। तो ये हमारा बिफोर डिके चार्ज हो गया। अब हमारा आफ्टर डिके चार्ज होगा, ये देखो इस पे कितना है, प्लस 90, यहाँ पे क्या लगेगा, ई लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ई, प्लस 90e प्लस 2e दैट इज इक्वल टू प्लस 92e। सो दिस इज द टोटल चार्ज आफ्टर डिके। तो बेटे बिफोर भी कितना था, 92e, आफ्टर कितना है, 92e। तो टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कंजर्व। तो ये हमारी एग्जाम्पल हो गई रेडियो एक्टिव डिके की। दूसरी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटे, न्यूक्लियर फिशन हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिशन में हमारे पास जो यूरेनियम है उसमें एक न्यूट्रॉन आता है, वो न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है और वो यूरेनियम को बेकार कर देता है। बेकार का मतलब है बेटे जी बेरियम प्लस क्रिप्टॉन। बेरियम प्लस क्रिप्टॉन में ये जो है यूरेनियम जो है वो टूट जाता है और तीन तीन न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ये हमने पढ़ा लोअर लेवल पे भी। तो ये हमारी जो रिएक्शन है इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, और इसमें जो है वो एनर्जी जो है वो निकलती है और तीन तीन न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अब इसका आप बता सकते हो व्हाट आर प्रोटॉन्स इन दिस वन, दैट इज 92 एंड दिस इज 92। बिफोर है कि आफ्टर है, ये बिफोर है और आफ्टर कितना होगा, 56 प्लस 36। अगर ये न्यूट्रॉन का चार्ज क्यों नहीं लिया, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं होता, तो ये बन गया 92। तो बिफोर कितना था, 92, आफ्टर कितना हो गया, 92। तो टोटल कितना हो गया बच्चे, 92। तो आफ्टर एंड बिफोर रिमेन सेम। अब बच्चा क्वेश्चन आएगा, सर आपने पिछले में तो यहाँ पे 238 कहाँ था, यहाँ पे 235 क्या आया? बेटे ये आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के, और ये जो 235 है ये फिजिबल होता है, इसका क्रिटिकल मास होता है, तभी वो न्यूट्रॉन कैप्चर कर पाता है। सो दैट इज़ न्यूक्लियर फिशन, और आपको हायर स्टडी में आएगा ये वाला टॉपिक, और ये आपकी नॉलेज के लिए है, पेयर प्रोडक्शन। तो बेटा जी पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, जब कोई गामा रेज़
कभी किसी न्यूक्लियस के फील्ड को इंट्रैक्ट करती है। आपको पता है न्यूक्लियस के आले दुआले कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। वो न्यूक्लियर फील्ड को जब वहाँ पे जाती है गामा रेज, तो वो सप्लिट हो जाती है दो पार्टिकल्स में, और वो पार्टिकल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एंड ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव को बोलते हैं हम एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड पॉजिट्रॉन। तो एंटी पार्टिकल क्या होता है, कल मैंने बताया था क्वार्क में, जिसका चार्ज ऑपोजिट होता है बट मास सेम होता है। तो पॉजिट्रॉन का एक नंबर का क्वेश्चन आया, क्या लिखोगे? अ पार्टिकल विच हैज सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट ऑपोजिट चार्ज, दैट इज प्लस चार्ज। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन? +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये था हमारा बेटे जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हमने तीन की है, एक बार रिवाइज करोगे आप कौन कौन सी? फटाफट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट एग्जांपल रेडियो एक्टिव डीके, एंड देन वी हैव न्यूक्लियर फिशन, एंड देन वी हैव पेयर प्रोडक्शन। तो बेटे जी चार्ज कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कुछ मिसिंग दिया होगा तो आपने उस एलिमेंट को भरना है वहाँ पे। अब हम करते हैं बेटे जी न्यूमेरिकल्स। तो कल मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे, तो मैंने देखा काफ़ी बच्चों ने व्हाट्सएप पे मुझे आंसर भेजे, और आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिन्हें नहीं समझ आया वो आज समझ ले। तो कल बेटे तीन क्वेश्चन थे हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के। तो पहला था हमारा विच इज़ बिगर, एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और वन कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस मेक वन कूलम, एंड देन सेकेंड क्वेश्चन वे ये वाटर वाला था, और देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा विच इज़ बिगर, एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन प्लस ई और माइनस ई, और व्हाट इज दिस वन कूलम, बड़ा कौन होता है और कितने चार्ज इससे बनता है। तो हमने बेटे जी हाउ मेनी से पता लग रहा है हमने एन का वैल्यू निकालना है, और चार्ज वन कूलम दिया। तो सिंपल है, अगर किसी को पता है बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला? कामिनी क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो बेटे ये सोल्यूशन हम देखते हैं इसका, हमने लिखना गिवन करके, अगर हम गिवन नहीं लिखते तो हमारा क्वेश्चन गलत। बच्चे क्या लिखते हैं, क्यू इक्वल टू इतना, ये यूनिट भी नहीं लिखते और उसके मार्क्स काट जाएंगे। तो बच्चे ये है हमारे पास, ध्यान से देखो, चार्ज ऑन बॉडी। हाँ जी प्रदीप जी, कितना दत्ता हुआ है? क्यू इज इक्वल टू वन कूलम। काफ़ी बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बेटे जी क्यू इज इक्वल टू वन कूलम है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, एंड 1.6 × 10⁻¹⁹, दैट इज चार्ज। मैग्नीट्यूड लिया बेटे हमने यहाँ पे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू एन ई है बेटा। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई में एन का वैल्यू क्या आ गया? क्यू अपॉन ई, इसको डिवाइड कर सकते हैं, और वन को इससे डिवाइड किया। देखो बेटे ऊपर कूलम नीचे कूलम कट जाएगा, और ये फिगर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ। दिस वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मल्टीपल में भी आती है कई बार कॉम्पिटिशन में। 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन का एक कूलम बनता है, दैट मीन्स जब किसी बॉडी में से इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उस बॉडी में आएगा प्लस वन कूलम, और अगर किसी में इतने जाएंगे तो उसमें आएगा माइनस वन कूलम। तो अगर आगे आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक कूलम का मतलब क्या है। एक कूलम इज अ चार्ज विच इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे बेटे जी आपने बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। तो ये है हमारे पास वन कूलम। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ठीक है? क्यू इक्वल टू एन ई, कमी नहीं लगाना है बच्चे, बस कमी नहीं लगाओ और चेक दे फट्टे, फिर क्या हुआ चेक दो जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटे, दो दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन एंड इट इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम ऑल्सो। तो कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट आर दीज, what amount of negative charge is transferred in our body when we drink one cup of water? अरे भैया पानी पिया, कोई दारू दुरू नहीं पिया हमने, अगर दारू पीते हो दारू के हिसाब से निकाल देते क्वेश्चन, तो फिर क्या? अब बेटे ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला, बच्चा सोचता यार दिया ही नहीं कुछ इसमें, अगर इसमें कुछ दिया ही नहीं तो हम कैसे निकालेंगे? तो बेटे ऐसे कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब है हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे केमिस्ट्री का एक मोल कंसेप्ट का फंडा लगाएं, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना, ध्यान से देखो। हम सबसे पहले बेटे जी हमने पहुँचना कहाँ पे है? चार्ज पे, और चार्ज होता है क्यू इक्वल टू एनी।
अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएं तभी हम ई निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? एटम्स मॉलिक्यूल्स में होते हैं। एटम मॉलिक्यूल्स से क्या बनते हैं? सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंस जो है हमने उसके पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले। तो बच्चे बिल्कुल सिंपल, ध्यान से देखो, अगर हम एक कप ऑफ वाटर पीते हैं, ध्यान से ये आपने रिमेंबर रखना है, देखना याद रखना है ये, अगर हम एक कप पानी पीते हैं तो उसका वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली होता है 250 cc। अब बच्चा पूछेगा मैं तो बड़ा पीता हूँ भाई, नहीं, 250 इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू, यू मस्ट टेक इट। तो बेटा जी ये वॉल्यूम आ गया, और मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अरे पानी का डेंसिटी कितना है भैया? पानी का डेंसिटी पता है आपको? पानी का डेंसिटी है बेटा जी हमारे पास 1। तो पानी का डेंसिटी है 1, और 1 है पानी का डेंसिटी, और ये बन गया 250 grams। मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया। और बेटे नंबर ऑफ एटम, ये मोल कंसेप्ट है बेटे, सबको पता है, हमने पढ़ा है प्लस वन में, केमिस्ट्री में पढ़ा। तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमने निकालने हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स है मॉलिक्यूल्स अगर हमने निकालना, तो ये होता है नमामा मीन्स एन इज इक्वल टू बड़ा एन अपॉन बड़ा एम इंटू एम। नमामा याद आ गया प्लस वन, अरे ये होता है एवोगैड्रो नंबर, और ये होता है हमारा मॉलिकुलर मास, और ये होता है हमारा गिवन मास। तो हमने गिवन मास के साथ हमने उस सब्सटेंस के निकाल लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये निकले हैं। अब ये एवोगैड्रो नंबर सबको आता है कि नहीं आता भाई? आता है। ये क्या है? मॉलिकुलर मास। किसका है भैया? वाटर का। अगर दारू पीते तो किसका लगना था? दारू का लग जाना था। और ये हमारा है 250 ग्राम। जिसमें तो हमने पहले बेटा सिंपली निकाल लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल जो होता है वो H2O होता है, सबको पता है क्या होता है वो? H2O। तो बेटे जी अगर H2O एक मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटे जी? 10। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? दैट इज जितने एटम्स हैं, और इंटू 10 करके हमने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ईजी हो गया, अब कमी नहीं लगाओ, कमीनी लगाओ भैया, कमीनी लगाकर आंसर निकाल दो। सो दिस इज द आंसर। तो इसे बेटे सोचना है, आपने जब सोचोगे तो अच्छा करोगे, ठीक है भाई? ठीक है अमनजोत, वेरी गुड, बच्चे समझ आ गया? हाँ थम वेरी गुड। तो बेटे जी व्हाट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर्ड अवर बॉडी व्हेन वी ड्रिंक 1 cup ऑफ वाटर। तो ये है क्वेश्चन, कुछ नहीं किया, मास निकाला, मास के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, एंड देन वी हैव, आगे भी ऐसी एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है बच्चे? ए सी साडा दूजा क्वेश्चन। नाउ मैं हूँ तो कुछ न्यूमेरिकल्स दिना बैठे, तो असं डिस्कस करते हैं कुछ, एंड तुम कुछ मैं ट्राई योर सैल्फ करके, एंड दैन तुम मैं कमेंट सैक्शन के उन्होंने बैठे जी भेजना है, तुम लिख के सॉल्व करके फोटो खिंच के भेज दौ, ठीक है जी? तो मैं उसनों चैक करके थोड़िया जो गलतियाँ तो दसूँगा, अगर ठीक होएगा तो मैं थानू बेटे जी शाबाश पहले ही दे देना। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट इट अक्वायर द चार्ज ऑफ दिस वन। तो चार्ज दिया हुआ है, हाउ मैनी क्या निकालना भैया? एन निकालना है, तो लगाएंगे कमीनी, सो दिस इज कमीनी, तो व्हाट इज दिस वैल्यू? तो दिस इज चार्ज ऑन द बॉडी यू आर गिवन दिस वन, दिस इज 3.5। तो थोड़ा सा गलती से यहाँ लिख हो गया है, दिस इज 3.5 इंटू 10, ये बेटे यहाँ पे आएगा, तो ये 3.5 इंटू 10 इज पर -9 कूलम्ब है। एन का निकालना है वैल्यू, और ये वैल्यू यहाँ पे भाग गई भैया, अरे ये है ई का वैल्यू, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹। तो क्यू इक्वल टू एन ई, सिंपल वन, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, और ये आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जी ट्राई करना है, आप निकालो कैलकुलेशन करके, और सिंपल क्वेश्चन। कौन सा फंडा चल रहा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या फंडा है? कमीनी। क्या होती है कमीनी? क्यू इज इक्वल टू एन ई, ई का वैल्यू नहीं पता, वो नहीं आता आपको, बोलो 1.6 × 10⁻¹⁹, सुना नहीं भाई, -19 कूलम, वेरी गुड। अब बड़े सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज पोजेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 1 kg इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन हो सकता है यार, ठीक है जी? तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, तो हमने पहले, तो वही फंडा, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 1 kg में, और बाद में हम बेटा जी उसका चार्ज निकालेंगे। तो ये हमारे पास है, दिस इज गिवन द चार्ज ऑन अ बॉडी, दिस क्यू इज इक्वल टू बेटे जी हमने फाइंड आउट करना है, ई का वैल्यू पता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, सो दिस इज एन ई। अब बच्चा पूछेगा ये एन कहाँ से निकाला मैंने, ठीक है जी? अब बेटा आप निकालोगे, मैंने तो निकाल दिया, और मैं हिंट देने वाला हूँ, ये एन का वैल्यू होगा
ठीक है जी, हमारे पास जितना टोटल मास है इलेक्ट्रॉन का 1 kg अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दो आप, 1 kg ऊपर रख लो और इसे नीचे रख लो और यू विल गेट n। और कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आपने इस आंसर को देखना है और बेटा जी समझना है, ठीक है। मैं ही कर ही जाऊँगा तो आप क्या करोगे, तो जितना प्रैक्टिस करोगे बेटे न्यूमेरिकल्स का उतना ही आपको फायदा, ठीक है बच्चों। खिंची आने हो और चक्रे फटे शाबाश सौ खाइए काम फिर एक चक देने। लो जी तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटे आपने करना है और ट्राई योर सेल्फ। सो पॉलीथीन पीस है रब्ड विद वूल हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस मच, यू आर गिवन क्यू हेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एन निकालना है आपने, नंबर हैज़ इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज अ मास ऑफ दिस वन फाइंड द मास ट्रांसफर्ड। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो और बाद में आपने उसका टोटल मास ट्रांसफर निकालना है, जिन्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हों तो से एक मास ना मल्टीप्लाई कर लो। एंड आंसर नु कन्फर्म करो कमेंट सैक्शन के बच्चे मैं लिख के न्यूमेरिकल करके दिखाओ, फिर मैं मनांगा तुम ये लैक्चर सुनिया है ध्यान नाल कीता करे बैठे भी तुम स्ट्रोंग हो रहे हो फिजिक्स। यस वेरी गुड शाबाश। देन बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अज्यूम दैट ईच कॉपर हैज़ वन इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 1 mg ऑफ कॉपर, एटॉमिक वेट दिया हुआ बेटे जी और यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर दिया हुआ। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, तो वही आप पहले निकालोगे मोल कंसेप्ट लगाकर, बाद में आपने चार निकालना है और ये है हमारा इसका सोल्यूशन। तो बेटे जी एम ग्राम में कितने होंगे, नमामा इसे बोलते हैं नमामा नमा, तो नमामा लगाकर और ये निकालो, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक से मल्टीप्लाई करके इसका ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाद में इसका चार्ज निकाल सकते हो आप। तो सिंपल वन ट्राई करना है, ट्राई करके अपने आप करो, ठीक है, कैलकुलेशन देखो तो फिर बैठे मुझे फिर दोबारा रिवर्ट करो, ओके। तो दिस इज़ बिल्कुल सेम फंडा, ध्यान से देखो, सो ऑल दैट। दिस इज़ 4th क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। एंड देन वी हैव दिस 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में हमने 1 gram ऑफ वाटर का नेगेटिव चार्ज निकालना है। तो बेटा जी ये भी हमारा 5th क्वेश्चन में जो है वो लगेगा मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट में हमारा यही फंडा लगेगा 18 यहाँ पे 1 gram जो है वो वाटर के निकालना है और यहाँ पे लगेगा हमारा वही फंडा जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, ओके बच्चे। तो इसके बाद ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्यू इज इक्वल टू एनी लगेगा और यहाँ पे चार दिया है आपने, हाउ मैनी निकालना है एन, और ये एन निकालो और एन निकाल कर बच्चे आप इसका आंसर भी मुझे जो है वो सोल्यूशन करके और मुझे कमेंट बॉक्स में दो। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो बेटा जी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपने फिर सेम ये एन दिया हुआ आपको, यू आर गिवन दिस एन एंड हेयर इज वी हैव टू फाइंड द चार्ज क्यू एंड यू हैव टू फाइंड दिस फॉर्मूला, आई डोंट नो व्हाट इज दिस फॉर्मूला, यस क्यू इज इक्वल टू, यस बोलो कमीनी, दिस इज क्यू इज इक्वल टू एन ई। सो कमीनी का फॉर्मूला लगा के तुम चार्ज चढ़ाओ कट सकते हो बेटे, माइक्रो मतलब कि ना होता है 10^-6 आंसर तो आ जाएगा। तो बेटा जी ये असं अज कर रहे हैं, तो बहुत ही ढंग दे नाल तुसी बैठ के करना है, ठीक है बच्चे। तो एक क्वेश्चन है, सो ये मैं अगली वीडियो तुम डिस्कस करवाऊँगा, अगर तुसी नहीं कट पाए तो इस दे विच एक कुंडी है, एक कुंडी की है बेटे जी कि असी 3 gram दे विच नंबर ऑफ एटम्स कढ़ने ने, तो नंबर ऑफ एटम्स कढ़ने लई असी मोल कंसैप्ट यूज़ कर लवेंगे। मोल कंसैप्ट यूज़ करन तो बाद उसने पूछा की है, ध्यान नाल देखो, पहला क्वेश्चन नू घट्टो घट 2-3 वारी पढ़ीदा हुंदा, क्योंकि अगर कोई ना कोई विच ट्विस्ट होवे तां तुसी क्वेश्चन नू नहीं कर पाओगे। तो बच्चो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉइन ऑफ मास इतना कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड द क्वाइन इज मेड अप ऑफ प्योर कॉपर, ये देखो कॉपर से बना हुआ है, तो हमने उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालना। तो बेटे जी लगेगा फंडा क्यू इक्वल टू एन ई, बिल्कुल सेम ये फंडा लगेगा। तो पहले तो बेटा जी आपने ये जो है निकालने हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 29, ये है आपका बड़ा मेन फंडा है। तो ये जो कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29 है, तो जितने आप नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे उसको 29 से मल्टीप्लाई करोगे,
तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तब फिर आप ये वाला फंडा लगाओगे क्यू इज इक्वल टू एन ई एंड देन यू कैन हैव दिस आंसर। ट्राई करो बच्चे, बिल्कुल ट्राई करो, अगर नहीं होया तो असी नैक्सट लैक्चर के विच जड़ा है वो तुहानू डिस्कस करावांगे। तो बहुत तुसी अज नुमेरिकल्स देखे बेटे जी, नुमेरिकल्स नू कड्डो बैठ के ईजीली कड्डो, ठीक है जी। तो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, ठीक है। हमेशा बेटे जी ध्यान ना पढ़ो, घर बैठे सेफ रहो बेटे जी हमेशा। ओके बेटे जी, कोई भी डाउट है तुसी उन्हों पुछो, ठीक है। तो बिल्कुल लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है जी। सुजैशन है वो तुसी दिओ ताकि तुसी बेटे जी होर अच्छी तरह फिजिक्स जड़ी है वो सीख सको, ठीक है बच्चे। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू वेरी मच।